नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नाइन भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के 23वीं वर्षगांठ पर जिला मुख्यालय स्थित रामलीला मैदान प्रांगण में सार्वजनिक कार्यक्रम का आयोजन स्थानीय विधायक राजकुमार पुरी की उपस्थिति में हर्षोल्लास के साथ सम्पन्न हुआ। माननीय विधायक ने उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों व आंदोलन में शहीदों के परिजनों को नमन करते हुए साल उड़ाकर सम्मानित किया। राज्य स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर स्थानीय विधायक ने प्रातः 8:30 पर जिला मुख्यालय के एजेंसी चौक निकट स्थित शहीद स्मारक पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। साथ ही उन्होंने एजेंसी चौक में स्कूली बच्चों की रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। माननीय विधायक ने मुख्य कार्यक्रम स्थल पहुंचकर विभिन्न विभागों के स्टालों का निरीक्षण किया। कार्यक्रम में विधायक ने सर्वप्रथम दीप प्रज्वलित कर उत्तराखंड राज्य आंदोलन के शहीदों के चित्रों पर पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। माननीय विधायक ने कहा कि पौड़ी जिला ऐतिहासिक होने के साथ साथ उत्तराखंड राज्य आंदोलन की आधार भूमि है। यहीं से उत्तराखंड राज्य आंदोलन की मांग की चिंगारी उठी थी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य आंदोलनकारियों के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है। कहा कि राज्य बनने के बाद जनपद की दूरस्थ गाँव के आखिरी व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन किया जा रहा है। साथ ही जरूरतमंद व पात्र व्यक्ति को इनका भरपूर लाभ मिल रहा है। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने राज्य स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि राज्य बनाने में राज्य आंदोलनकारियों की अहम भूमिका रही है। कहा कि राज्य जिस तरह से विकास की ओर प्रतिदिन बढ़ रहा है, उसी तरह से एक दिन उत्तराखंड प्रदेश देश विदेशों में एक अलग पहचान बनाएगा। राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर माननीय विधायक व जिला अधिकारी द्वारा 14 दिव्यांगजनों को कृत्रिम उपकरण, 15 किशोरी किट व 5 मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट के अलावा निबंध प्रतियोगिता में अव्वल प्रतिभागियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। न्यूज नाइन भारत के लिए वीरेंद्र रावत की रिपोर्ट। दिवस के अवसर पर माननीय मुख्य अतिथि महोदय, माननीय विधायक राजकुमार पौरी साहब, यशपाल बेनाम साहब जो नगरपालिका अध्यक्ष हैं हमारे, सुषमा रावत मैम, जिला जी राजेंद्र प्रसाद टमटा जी, प्रहलाद सिंह रावत जी, ओम प्रकाश जुगराण जी, नरेंद्र प्रसाद टमटा जी, सुबोध नोटियाल जी, सुमनलता ध्यानी मैम जी, समस्त राज्य आंदोलनकारी जिन्होंने बच्चे हमारे जो स्टॉल्स लगाने वाले विभिन्न समूह हैं, जो प्रोग्राम करने वाले कल्चरल ग्रुप्स हैं, और साथ ही जितने ऑफिसर्स और पुलिस के जितने हमारे ऑफिसर्स और जो जवानों ने यहाँ पे काम किया, उन सभी लोगों को राज्य स्थापना दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं जिला प्रशासन की तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से। और आप लोगों ने प्रतिभाग किया और इस कार्यक्रम को सफल बनाया, इसके लिए मैं पूरे प्रशासन की तरफ से आपका एक बार पुनः शुक्रिया अदा करता हूँ। और जिस तरीके से राज्य आंदोलन बनाने में हमारे राज्य आंदोलनकारियों ने जितना त्याग किया, बलिदान किया, कुछ लोगों ने अपनी प्राण की जैसे कहते हैं सुप्रीम सेक्रीफाइस तक किया गया, तो उन सारी बात सारे कंट्रीब्यूशन के बाद ही हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं। और जल्दी हमारे 25 साल जो पूरे होने वाले हैं, और जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से ये कहा गया था कि आने वाला दशक जो है उत्तराखंड का दशक होगा, और जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम इस पूरे के पूरे उस पर विकास की गति को तीव्र, सभी लोगों के सहयोग की हमारा स्टेट जो है नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे अपनी पहचान छोड़ पाएगा। तो आप सभी लोगों को दीपावली राज्य स्थापना दिवस की पुनः शुभकामनाएं। थैंक यू। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।